पुरानी कुर्ती का यूज़ करके आज बड़े साइज का ट्रांसपेरेंट साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है, बिना लाइनिंग के, बिना फोम के, बिना जिप के। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही पसंद आएगी आपको। हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो आज मैं ये पुरानी कुर्ती का रीयूज़ करने वाली हूँ। इसके साइड से जहाँ पे खुला पार्ट रहता है ना, वहाँ से इसकी फट गया है ये थोड़ा सा, तो इसी का यूज़। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर से जहाँ से बाजू लगाए वहाँ से कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद दोनों साइड में जो सिलाई है उसको खोल लिए हैं, और नीचे के साइड में इसमें हाथ से ही तुरपाई करके चौड़ा पट्टी मतलब मोड़े थे अंदर की तरफ, तो इसको भी अभी खोल लेंगे। इससे हमारे पास कपड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इतना चौड़ा था, इसको भी अभी खोल लिए हैं। अब ये सब खोलने के बाद इसको जहाँ से भी तिरछा है तो उसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद देखिए दोनों टुकड़ा हमारे पास बराबर आ गया। तो अब इसको दोनों को एक में जोड़ के सिलाई चला लेंगे। तो बड़े साइज़ का आज मैं साड़ी ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए अभी ये दोनों को जोड़ लिए हैं। अब जोड़ने के बाद उसमें प्लास्टिक की बोरी इनसे एक एक इंच छोटा कट कर लिए हैं, जो कपड़ा है ना उससे एक एक इंच छोटा, प्लास्टिक की बोरी चारों तरफ से एक एक इंच छोटा है। तो अभी देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे। इससे ना बिल्कुल रफ एजेस नहीं दिखेंगे, अंदर की तरफ भी पूरा फिनिशिंग के साथ ये रहेगा। अभी देखिए पहले पिन से पूरे में सेट कर लेते हैं, और फिर बीच में भी सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़ा और प्लास्टिक की बोरी आपस में बराबर में बैठ जाए। तो दो तीन सिलाई बीच में भी चलाएंगे। अभी देखिए पिन से इस तरह से कर लिए हैं, अब पूरे में सिलाई चला लेंगे। चाहे तो आप इस पर लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बिना लाइनिंग के बनाई हूँ। और इसका नाप है, चौड़ाई इसकी 27 इंच है और लंबाई इसकी 31 इंच है। तो सिर्फ दो टुकड़े से बनाना है। तो एक टुकड़ा हमारा ये तैयार हो गया, अब दूसरा टुकड़ा तैयार कर लेते हैं। तो इस सूट में से फिर इसकी कुर्ती में से ना फिर कपड़ा नहीं बचा था, तो इसी का सलवार का ये कपड़ा है, तो उसमें से कपड़ा ले लिए हैं। और उससे भी एक एक इंच तीन तरफ से है एक्स्ट्रा प्लास्टिक की बोरी से, और आगे वाले तरफ के लिए जो आगे हम यूज़ करेंगे जो बनाएंगे बॉक्स उसमें, तो उसके तरफ 2 इंच का है। तो देखिए एक तरफ चौड़ा अभी पट्टी मोड़े हैं, इसका लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई 16 इंच है। तो ये भी तैयार कर लिए हैं। अब ट्रांसपेरेंट सीट के लिए देखिए एक प्लास्टिक की सीट ले लिए हैं, इसकी लंबाई है 12.5 इंच और चौड़ाई है 11.5 इंच। अब इसमें ऊपर की तरफ पट्टी लगाएंगे, उसके लिए 13 इंच की लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच की पट्टी ले लिए हैं। अब इसको देखिए चौड़ाई जो लंबाई साइड है उसमें से इस तरह से करते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे, और इस पर सिलाई चलाने के बाद देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करके टॉप स्टिच चला लेंगे। ये जो चौड़ी पट्टी लगा रहे हैं ये बाद में वेलक्रो लगाने के लिए। तो अब देखिए इस पर टॉप स्टिच चलाने के बाद इस तरह से अंदर करते हुए 1 इंच की पट्टी रखेंगे, बाकी अंदर की तरफ मोड़ते हुए उस पर भी सिलाई चला लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए इसकी लंबाई अभी जो चौड़ाई है इसकी 10.5 इंच सिलने के बाद हुआ है, हमें चाहिए ये 9 इंच। तो 9 इंच पे पूरे में निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको अभी कट नहीं करना है, जो निशान है ना उसको पहले पूरा बराबर में मिला लेंगे। और अभी आपको हल्का दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा था। तो अभी इस तरह से निशान लगा लिए हैं, अब इसको निशान पे ही सेंटर पॉइंट बनाएंगे इसका। तो 9 इंच पे ही, जो 9 इंच पे निशान लगा है ना उसी को हम उसी पे सिलाई चलाना है। अभी देखिए इसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिए। अब जो चौड़ा वाला पीस तैयार किए हैं ना उस पे भी उसकी लंबाई में सेंटर पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो देखिए चौड़े वाले में इस तरह से इसके भी सेंटर पॉइंट पे
निशान लगा लिए हैं। अब जो सीट प्लास्टिक वाली तैयार किए हैं उसको, उसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट बराबर में मिलाएंगे 9 इंच पे। बाकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक की सीट है उसको अंदर की तरफ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए 9 इंच पे ही निशान पे रखेंगे। पहले पिन से इसको सेट कर ले रहा है, फिर इस पर सिलाई चला लेंगे। देखिए इस पे सिलाई चलाने के बाद अब देखिए इसमें एक साइड से इसका अब 9x9 का नीचे के साइड में जिधर सीट लगाए उसके नीचे साइड में 9x9 का कॉर्नर बनाएंगे। तो दोनों साइड में इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद ये भी हल्का दिख रहा है आपको, तो प्लास्टिक की बोरी है ना उस पर अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए इस तरह से जहाँ से निशान लगाए हैं ना दोनों तरफ से निशान को मिलाते हुए इस तरह से इस पर पहले पिन लगा लेंगे और पूरा कॉर्नर तक सीधी लाइन जहाँ तक है वहाँ तक सिलाई चलाएंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड का भी पहले पिन से सेट कर ले रहा है, फिर बाद में सिलाई चलाएंगे इस पर। तो ये इधर के दो साइड का कॉर्नर का निशान लगा लिए। अब ये जो प्लास्टिक की सीट है और इसका कॉर्नर है तो इस तरह से इसको मिलाते हुए इस पर भी सिलाई चलाएंगे, इस पर भी सिलाई चलाएंगे। अभी देखिए पूरे में आपको सिलाई चला के दिखा रहे हैं। तो इसको कॉर्नर को इसको कट नहीं करना है, बाद में इसका देखिएगा ये रहने से काफ़ी मजबूती रहेगी ऑर्गेनाइजर को। तो देखिए अभी इसी तरह से प्लास्टिक वाली सीट पे भी मिलाते हुए देखिए पूरे में सिलाई चल गया। अब इसको पहले सीधा कर लेते हैं। बहुत ही बड़े साइज का बन के तैयार होगा। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो मार्केट से तरह के साड़ी ऑर्गेनाइजर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी देखिए इस तरह से इसको इसमें लंबाई के तरफ में मिलाते हुए इस पर भी सिलाई चला लेंगे जिससे इसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी। तो अभी देखिए एक बॉक्स हमारा बन के तैयार हो गया है। अब जो एक पीस तैयार किए थे छोटा वाला ना उसको लगाएंगे और इसमें मैं वेलक्रो लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो बटन लगा लें और लूप लगा लें। अब देखिए ये वाले पीस का भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे, इसकी चौड़ाई वाले तरफ से सेंटर पॉइंट बना लेंगे और जो ट्रांसपेरेंट सीट जिधर लगा है ना उसके उल्टा साइड से भी उसका भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे। अभी इसका बना लिए, अब इसका भी देखिए इसको मोड़ते हुए दोनों का सेंटर पॉइंट मिला के सीधे की तरफ से ही सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाएंगे और इसको ऊपर की तरफ सिलाई रहेगी क्योंकि इसका पूरा सिलाई अच्छे से फिनिशिंग कर दिए हैं तो ये ऊपर की तरफ से ही सिलाई चलाएंगे। तो जो फ्लैप को कवर करेंगे ना जब इसमें वेलक्रो लगाएंगे तो ऊपर की तरफ रहेगा। अभी देखिए पिन से इसको सेट कर लिए हैं तो इस पर अभी पूरे पे सिलाई चला लेते हैं। देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब इसमें चाहे आप बटन लगाएं या वेलक्रो लगाएं, मैं इसमें बटन नहीं लगा रही हूँ वेलक्रो लगा रही हूँ। तो वेलक्रो के लिए देखिए मैं 6 पीस ली हूँ तो दोनों तरफ के चौड़ाई में 2-2 लगाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट सीट की तरफ 2 लगाएंगे तो 6 लगाना है। तो बराबर में करके निशान लगा लिए हैं। अब उस पर एक आपको लगा के दिखा रहे हैं किस तरह से इसको लगाना है। इस तरह से नीचे की तरफ रखे चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से पूरे में
सिलाई चला लिए हैं। अब देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया है, बहुत ही बड़े साइज़ का बना है और बहुत ही सुंदर। अभी इसमें आपको साड़ी रख के दिखा रहे हैं। अभी ये जो साड़ी निकाले हैं ये साड़ी कम पड़ गया और ज़्यादा इसमें रखना पड़ा, बहुत ही बड़े साइज़ का बना है। तो देखिए इस तरह से दिखाई भी दे रहा है कि कौन सी साड़ी कहाँ रखी हुई है, और कवर भी ऊपर से अच्छे से आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी इसका नाप भी आपको करके दिखाते हैं कि कितने बड़े साइज़ का बना है। इसकी लंबाई 16 इंच बनने के बाद तैयार हुआ है और ऊंचाई है 9 इंच और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी देखिए आपको साड़ी भी दिखा रहे, कितना सारा इसमें कपड़ा ऑर्गेनाइज हो गया है और बनाना भी कितना आसान था। तो आप ये कब बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।